हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। आज बात करने वाला है कि सिम पोर्ट करते हैं तो हम लोग किस किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। आप जियो में है ठीक है, या फिर एयरटेल में, कोई भी सिम में है, आप कोई भी ऑपरेटर का ठीक है, कोई भी ऑपरेटर है ठीक है, कोई भी सिम में, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जो भी है, वीआई, जो भी है ठीक है, लेकिन मतलब किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, मतलब क्या क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपका रिचार्ज है 14 दिन के लिए या फिर 1 महीना के लिए ठीक है, नहीं 1 महीना हुआ या 14 दिन ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका कल या परसों खत्म होने वाला है, कल या परसों खत्म होगा आपका रिचार्ज, तो उससे 2 दिन पहले मतलब पोर्ट करना मतलब क्यों क्यों 2 दिन पहले, मतलब परसों खत्म होगा आपका तो आप 2 दिन पहले पोर्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि SMS एक मैसेज करना पड़ता है पोर्ट करके, एक नंबर में 1909 ठीक है, 1909 ठीक है, 1909 इस नंबर से पोर्ट करना पड़ता है, पोर्ट और नंबर अपना देना पड़ता है ठीक है, अपना नंबर देना पड़ता है। तो 2 दिन पहले आपको पोर्ट करना पड़ा, मतलब जहाँ पर आप दुकान पर जाइएगा, रिटेलर के पास दुकान पर जाइए कि इसी हमको पोर्ट करना है, जियो टू एयरटेल, एयरटेल टू जियो, जो भी करना है ठीक है, तो 2 दिन पहले आपको पोर्ट करना है, 2 दिन पहले रिचार्ज खत्म होने से पहले। नहीं तो मैं रिचार्ज किया, मतलब मैं पोर्ट किया था, जियो टू एयरटेल किया था, मतलब रिचार्ज किया है, 5-6 दिन हुआ उसके बाद पोर्ट किया था, नेट नहीं चल रहा था और टावर अच्छा से नहीं पकड़ रहा था, इसलिए पोर्ट करने के लिए गया था, तो मेरा मतलब 1 महीना का वेस्ट हो गया था रिचार्ज किया, मतलब तो जो रिचार्ज किया मैं 1 महीना का, वो रिचार्ज मतलब वेस्ट हो गया। तो नया सिम लेने से तो ऑलरेडी तो रिचार्ज मिलता ही है, 399 या 299 जितना मिलता है, लेकिन मिलता है 1 महीना के लिए, फ्री मिलता है सब कुछ ठीक है। तो इससे मतलब आपको पूरा मतलब सिम को पूरा यूज कर लेना है, 1 महीना, 1 महीना नहीं, 2 दिन बाकी रहेगा ठीक है, 2 दिन बाद खत्म होगा ना, तो 2 दिन पहले आप पोर्ट कर लेना ठीक है, उससे 2 दिन पहले ही पोर्ट कर लेना। मान लीजिए कल या परसों खत्म होगा तो आज कर लीजिए, आप आज पोर्ट कर लीजिए ठीक है, दुकान में जाइए और वहां पर जाके किस सिम हमको पोर्ट करना है। हाँ, रो दुकानदार वाला बोलता है कि इतना चाहिए इतना नहीं, ज्यादा पैसा नहीं और लेता ठीक है, 250 ऐसे लेता है, मतलब दुकानदार के हिसाब से, लेकिन ठीक है फ्री सिम मिलता है, लेकिन हाँ जहाँ दुकान के पास मतलब आदमी के हिसाब से होता है कौन क्या लेता है, तो मैं किया था तो 250 लिया था ठीक है, आप लोग का दुकान में जाएगा तो कितना लेगा कितना नहीं, वो तो डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर ठीक है। तो आप लोग पोर्ट करने से इतना ही में बोलेंगे, आप लोग को यही मैं बोलने वाला है कि पोर्ट करने से पहले खत्म होगा ना, तो उससे 2 दिन पहले ही पोर्ट करना, ना तो आपका रिचार्ज वेस्ट हो जाएगा, पहले वाला रिचार्ज। मैं किया था जियो टू एयरटेल, एयरटेल किया तो मेरा वेस्ट हो गया था, मतलब 1 महीना का वेस्ट हो गया था। और हाँ, और एक बात, 90 दिन पुराना होना चाहिए सिम ठीक है, 90 दिन पुराना। मान लीजिए आपका सिम जियो है और उसको एयरटेल करना है ठीक है, एयरटेल करना है तो 90 दिन पुराना होना चाहिए, और जियो टू एयरटेल किया, फिर से एयरटेल में आपको मतलब अच्छा लग रहा है, फिर से आपको जियो करना है, तो भी मतलब 90 दिन पुराना होना चाहिए। एयरटेल आप चला रहा है ना, एयरटेल आपका पोर्ट किया उसको भी 90 दिन होना चाहिए उस सिम को ठीक है, 90 दिन होगा पुराना, उसके बाद फिर से आप जियो कर सकता है ठीक है, फिर से जियो का ऐसा मैं किया है ठीक है, ऐसा मैं किया है, पहले मेरा था जियो, फिर एयरटेल किया, फिर एयरटेल से जियो किया, ऐसे किया था मैं ठीक है, ऐसे किया था, इसलिए 90 दिन पुराना होना चाहिए, तब मतलब आपका पोर्ट होगा ठीक है, तो इन्हीं बात को ध्यान रखना चाहिए पहले। और खुद भी कर सकता है ठीक है, आप खुद भी कर सकता है ठीक है, सिम ऐसे तो सिम देगा नहीं दुकानदार कि फ्री हमको दे दो, एक सिम दे दो मैं कर लेंगे, ऐसे नहीं, दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, वो तो मतलब रिचार्ज करने के लिए तो पैसा लेगा ही, आप कितनों भी रिचार्ज, वो तो बोलेगा इतना करना ही रिचार्ज पड़ेगा, इतना रिचार्ज करना ही पड़ेगा, 399 299 ऐसे, मतलब वो रिचार्ज करता है ना, वो फायदा मिलता है, रिचार्ज तो फ्री मिलता है कंपनी तरफ से, नया सिम लेगा ना वो फ्री ऑटोमेटिकली रिचार्ज मिल जाता है, लेकिन वो जो रिचार्ज करता है ना वो मतलब फ्री आता है ठीक है, फ्री मिलता है, लेकिन वो जो सिम देगा ना दुकानदार उसको मतलब पैसा मिलता है। अब मान लीजिए आप 200 का 299 का रिचार्ज किया, मतलब वो बोलेगा दुकानदार की 299 रिचार्ज करना पड़ेगा 1 महीने के लिए, मतलब वो आपको बोलेगा कि पोर्ट करना है, मुझे पोर्ट करना है ठीक है, मुझे पोर्ट करना है, तो वो तो बोलेगा सिम फ्री है लेकिन रिचार्ज तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मतलब वो फ्री देता है, कंपनी फ्री देता है ठीक है, रिचार्ज भी सब कुछ फ्री देता है, तो मतलब दुकानदार वो फायदा मारता है, उसका लाभ होता है, तो बस यही बात ध्यान रखना है ठीक है। सिम पुराना सिम होना चाहिए, 90 दिन पुराना, और 2 दिन पहले ही, मतलब आज कल परसों खत्म होगा ना, तो आज कर लेना पोर्ट,
नहीं तो बस 1 महीना का आपका मतलब वेस्ट हो जाएगा रिचार्ज, इसलिए इसी बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पोर्ट करने का 4 दिन लगता है, 4 दिन नहीं, 4 दिन नहीं लगेगा आपको, मिनिमम 2 दिन, 2-3 दिन लगेगा उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा। रात को मेरा हुआ था, मैंने पोर्ट किया था ना, तो रात को हो जाता है, ठीक है। 2-3 दिन लगेगा उसके बाद पोर्ट हो जाता है, ठीक है, चालू हो जाता है उसके बाद, ठीक है। और पूरा आप पुराना वाला जो सिम है ना उसको चला सकता है, जितना दिन चालू नहीं होगा उसको चला सकता है। और जब चालू हो जाएगा ना नया सिम, तो ऑटोमेटिकली टावर हट जाएगा, ऑटोमेटिकली टावर हट जाएगा। तो उसके बाद समझ लेना कि मेरा सिम मतलब चालू हो गया, पर नया वाला सिम मतलब चालू हो गया, नया वाला सिम। तो बस ऐसे ही होता है पोर्ट, ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना है। मतलब क्या क्या बात, जैसे कि 28 दिन आपका रिचार्ज है, ठीक है, तो 2 दिन पहले मतलब पोर्ट करना है, 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले पोर्ट कर लेना, ठीक है। और 90 दिन पुराना होना चाहिए, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लीज मेरा चैनल में जो जो आए हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप लोग का प्यार चाहिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, प्लीज प्लीज भाई सपोर्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।